अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फिर निर्दबाने उर्दू की आपकी जो वर्कबुक है उर्दू की उसका सफ़ा नंबर 2 करेंगे। सफ़ा नंबर 2 निकाल लीजिए आप सब। और आपका ये चैप्टर का नाम है बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाना। यानी इस आपके जो ये जंबल्ड अप हुए हुए हैं सेंटेंसेस, इनको आपने सीक्वेंस में इनको लिखकर इनके जुमले बनाने हैं सही से, ठीक है। अब जैसे ये है, दर्ज ज़ेल बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाइए। पहला है, दौलत बेहतर है इल्म से, इसे कोई छीन सकता क्योंकि नहीं, ठीक है। अब आप लोग पहले कोशिश करेंगे इसका क्या मिलेगा। दौलत बेहतर है इल्म से, इसे कोई छीन सकता क्योंकि नहीं। इसका सही जुमला होगा, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इसे कोई नहीं छीन सकता। यानी इल्म जो है, तालीम जो है, वो दौलत या पैसे से बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है, क्योंकि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई डाकू छीन सकता है, ना कोई चोर छीन सकता है, ठीक है। इस तरह आपने तरतीब देने हैं सारे अल्फाज, जुमले बनाने हैं इस तरह, ठीक है। फिर है सेकंड, खर्च करने इल्म से बढ़ता है और दौलत है घटती। इसका क्या होगा, इल्म खर्च करने से बढ़ता है और दौलत घटती है। ये देखिए, इल्म खर्च करने से बढ़ता है और दौलत घटती है, ठीक है। यानी इल्म जो है, जितना आप हासिल करेंगे, जितना आप खर्च करेंगे दूसरों को सिखाएंगे, उतना बढ़ेगा, और जितनी आप दौलत खर्च करेंगे वो घटती रहेगी, आपकी ख़त्म होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड है, अल्लाह नेकी पसंद करने वालों करता है को। अब आप इसकी क्या बनाएंगे, अल्लाह नेकी पसंद करने वालों करता है को, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। सिंपल, बहुत आसान था, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। इसी तरह फोर्थ है, बुज़ुर्गों इज़्ज़त और की करो के साथ छोटों मोहब्बत से आओ पेश। अब इसको आप बनाएंगे, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो और छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, ठीक है। ये सेंटेंस बनेगा इसका, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो और छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। फिर है फिफ्थ है, गुरूर कभी ना करो, अल्लाह ताला पसंद करता गुरूर करने वालों नहीं को। इसका आप कोशिश करें ख़ुद बनाने की, क्या बनेगा, गुरूर कभी ना करो, अल्लाह ताला पसंद करता गुरूर करने वालों नहीं को। इसका बनेगा, कभी गुरूर ना करो, अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। सिक्स्थ है, जब अमानत की जाए सुपुर्द कोई तुम्हारे ना करो तो मैं इस खयानत। इसका क्या बनेगा, जब कोई अमानत तुम्हारे सुपुर्द की जाए तो उसमें खयानत ना करो, ठीक है। ये आप ख़ुद भी कोशिश करें और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें, और आप बनाएंगे तो आप ख़ुद ये हल करने की कोशिश कीजिएगा, मेरी वीडियो बाद में बेशक, लेकिन ये आप अपनी बुक्स निकालें और ख़ुद पहले प्रैक्टिस करें, इसको रफ़ कॉपी पे पहले लिखें और फिर अपनी मदर या फादर से चेक करवाएं या अपने ट्यूटर से चेक करवाएं और फिर देखें। आप ख़ुद करेंगे ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। जब अमानत की जाए सुपुर्द कोई तुम्हारे ना करो तो मैं इस खयानत, इसका ये होगा, जब कोई अमानत तुम्हारे सुपुर्द की जाए तो उसमें खयानत ना करो। फिर है, हमेशा से बचो नेकों की बुरों सोबत में बैठो और। यानी हमेशा नेकों की सोबत में बैठो और बुरों से बचो। सोबत कहते हैं कंपनी को, आप नेक लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो नेक बनेंगे, बुरे लोगों की सोबत यानी गंदी कंपनी में बैठेंगे तो गंदे बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे, ठीक है। इसका दोबारा से आपको मैं बता देती हूँ क्या बनेगा सही तरतीब से अल्फाज जुमला इसका, कि हमेशा नेकों की सोहबत में बैठो और बुरों से बचो। फिर है खुदा, एट्थ है, खुदा सिवा इबादत के करो किसी की ना और माँ बाप एहसान करो के साथ अपने। इसका क्या बनेगा, खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, ठीक है। खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, ठीक है। इसका ये बनेगा आपका। नाइन्थ है, अपने की हमसाया करो इज़्ज़त
उसे और किसी की किस्म ना दो तकलीफ़। अपने हमसाए की इज्जत करो और उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना दो। ठीक है, ये बनेगा इसका सेंटेंस। अपने हमसाए की इज्जत करो और उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना दो। टेंथ है, ऐसे काम करो जिन हमेशा तुम्हारे की स्कूल इज्जत बढ़े से। इसका क्या बनेगा? हमेशा ऐसे काम करो जिनसे तुम्हारे स्कूल की इज्जत बढ़े। ठीक है, यानी हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। गंदे काम नहीं करने चाहिए। हमेशा ऐसे काम करो जिनसे तुम्हारे स्कूल की इज्जत बढ़े, आपके स्कूल का नाम रोशन हो। अच्छे काम करें। ठीक है बच्चों, ये सफ़ा आपने लाजमी करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 2 है। और इसी तरह मैं अब आपको पेज नंबर 3 और 4 और आगे जितने भी पेजेस हैं वो करवाती रहूँगी, हल करके आप लोग भी, मैं आपको होमवर्क भी दे दिया करूँगी, बल्कि आप लोग होमवर्क भी दिखाएं अपना अपना करके। बल्कि मैं आपको एक होमवर्क दे ही देती हूँ, ये बहुत आसान है। और ये है कि पेज नंबर, अगर आप निकालें पेज नंबर फोर निकालें, पेज नंबर 4 है ये आपकी निर्माण उर्दू का। इसका मैं आपको होमवर्क भी साथ ही दे देती हूँ। कहानी नवीसी है, ये पिक्चर देखें आप। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स हैं इसमें, और लिखा हुआ है तस्वीर और मददगार अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल कहानी लिखिए और अपनी कहानी का दिलचस्प उनवान भी तजवीज़ कीजिए। ठीक है, यानी इन तस्वीरों की मदद से आपने अपनी कहानी बनानी है और ये मददगार अल्फाज दिए हुए, हेल्पिंग वर्ड्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, ये आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए। छुट्टी का दिन, बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने का प्रोग्राम, खूब मज़ा, शरारत और भाग दौड़ से मना करना, बात ना मानने की आदत, शरारत की सज़ा, तकलीफ़, गरम गरम सूप, बाजू जलना और सबक। सबक यानी आखिर में जो मॉरल होता है, मॉरल ऑफ़ द स्टोरी, वो है ये। ठीक है, कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिला। अब आपने ये तमाम मददगार अल्फाज की मदद से और तस्वीरें देखकर आपने कुछ सेंटेंस की अच्छी सी वो बनानी है, स्टोरी बनानी है उर्दू में। पहले आप इसको रफ़ पे करेंगे और रफ़ पर अपने, ठीक है, 2 पेजेस दिए हुए उन्होंने, एक ये वाला पेज दिया हुआ है और एक ये, लेकिन आप पहले अपनी रफ़ कॉपीज़ निकालेंगे। ठीक है, और रफ़ कॉपीज़ में पहले आप ये सब लिखकर इन मददगार अल्फाज की मदद से स्टोरी बनाएं। छोटी सी बनाइएगा, बहुत लंबी मत करिएगा, और उसके बाद उसको बड़ों को दिखाएं अपने, और फिर वो जब इमला की गलतियां आपकी निकाल लें और सही कर लें तो उसके बाद आप इसको यहाँ खुशखत लिखेंगे, यानी इसको नीट करेंगे यहाँ। ठीक है, और अपने ग्रुप, हमारे ग्रुप में वो जो क्लास 5 का ग्रुप है उसमें आप प्लीज़ अपनी पिक्चर्स भेजेंगे मुझे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपको मैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि स्कूल खुलने तक आपका बहुत सारा कोर्स कवर करा दूंगी। लेकिन आप लोगों ने डेली ऑनलाइन आना है और हमारी क्लास को ज्वाइन करना है, और आपने जो जो मैं आपको क्लास वर्क कराऊँ और जो जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपने काइंडली करना है। ठीक है, अब बहुत आराम कर लिया आप लोगों ने, छुट्टियां बहुत मज़े की गुजार ली हैं, अब पढ़ाई को हमने सीरियसली लेकर चलना है और आप लोगों का कोर्स ख़त्म कराना है, हमारा मकसद है। ठीक है, मेरे साथ तआवुन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।